अगली खबर में बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गंगेयोर जनपद पंचायत की, जहां सबसे भ्रष्टाचारी जनपद पंचायतों में गिनी जाती है गंगेयोर जनपद पंचायत। यहां कई कार्यवाही लंबित हैं, करोड़ों के घोटाले हो चुके हैं। इस पर जनपद पंचायत की शिकायतें भी सबसे ज्यादा लंबित हैं। ऐसे में कर्मचारियों को कार्य करना मुश्किल हो रहा है। आधा सैकड़ा की संख्या में पहुंचे रोजगार सहायकों ने जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े को ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायकों ने बताया कि हाल ही में हुए चुनावों के बाद कई ग्राम पंचायतों में सरपंचों के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। वहीं फील्ड में भी कई प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। जनपद पंचायत भ्रष्टाचार में अव्वल है, जिसके चलते बदनामी भी हो रही है। उसके साथ ही अन्य कई समस्याएं हैं। रोजगार सहायकों ने बताया कि 2 माह से उनका वेतन लंबित है, जिसके चलते उन्हें परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने रोजगार सहायकों की समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया है। आपको सुनाते हैं रोजगार सहायकों ने किन मुद्दों को लेकर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग जनपद पंचायत गंगेयोर से हैं और हमने ग्राम रोजगार सहायक है। हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ जिला सीईओ साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारी मुख्य समस्या थी कि हमारी पेमेंट पिछले 2 महीने की काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, अप्रैल और मई की। तो हमने वहां पे पहले प्रयास किया, जब वहां नहीं हुआ तो हमने साहब को यहां जिला सीईओ साहब को उसके लिए आवेदन ज्ञापन दिया है। और हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कुछ तकनीकी समस्या वहाँ ग्रामीण स्तर में हम लोगों को कार्य करने में हो रही है। लगातार शासन की योजनाओं का बोझ जो है वो हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, और कोई भी योजना आती है, कोई भी योजना आएगी उसमें हम लोग ग्रामीण स्तर में सहयोग करते हैं पूरे मनोयोग से। उसमें जो समस्याएं तकनीकी हैं, कंप्यूटर लैपटॉप या जो भी है डाटा नेट का, वो चीज़ उसमें थी हमारे ज्ञापन में। दूसरा थोड़ा सा यहाँ पे अभी हमारे पिछले चुनाव हुए हैं, उससे थोड़ी अस्थिरता हुई है ना, तो उससे हमारे सामंजस्य जो नहीं है जहाँ पे। दूसरा एक हमारा जनपद काफ़ी दिनों से शिकायतों की भेंट है, लगातार शिकायतें हैं, उसमें हम लोग बदनाम भी हैं कुछ चीज़ों में, कहीं कुछ हो सकता है सही भी हो, तो हम लोग उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। साहब को अवगत कराया तो साहब ने उसमें बड़ा सटीक उत्तर दिया है कि भाई वो हमारे विभाग का एक अंग है, उसको रखेंगे, क्योंकि हिस्सा ही है एक तरह से वो, तो उसको आप उसकी चिंता नहीं करें, आप अच्छे से काम करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि साहब की अपेक्षाओं पर खरे उतरे और काम करेंगे।